नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ साक्षी जैन एंड वेलकम टू साक्षी योगा स्टूडियो। तो क्या आप भी अपने पेट की लटकी हुई चर्बी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं? ये कम ही नहीं हो रही है या आपको वेट लॉस करना है? तो मैं आज आपको ऐसे 5 योग आसन बताने वाली हूँ, यदि आप इनका अभ्यास प्रतिदिन करते हैं तो आप अपनी इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आसन हम करने वाले हैं उष्ट्रासन, जिसे हम कहते हैं केमल पोज। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने दोनों घुटनों पर खड़े हो जाना है। अब धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकते हुए अपने दाएं हाथ से अपनी दाएं एड़ी को पकड़ने की कोशिश करें और बाएं हाथ से अपनी बाईं एड़ी को पकड़ने की कोशिश करें। याद रहे, आपका सीना खुला हुआ होना चाहिए। जांघों को सीधा रखने की कोशिश करें और जितना संभव हो सके अपने सर और गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएं। जब खिंचाव महसूस हो तब पूरे शरीर, विशेष रूप से पीठ की मांसपेशियों को शिथिल रखने की कोशिश करें। शरीर का वजन समान रूप से पैरों और भुजाओं पर होना चाहिए। पीठ का धनुष जैसा आकार बनाए रखने के लिए भुजाओं को कंधों का सहारा दें। जितनी देर तक आरामदायक लगे उतनी देर तक अंतिम स्थिति में रहें। धीमी गति से हाथों को एक एक करके एड़ियों से हटाएं और शुरू की स्थिति पर लौटें। अब दोनों एड़ियों के बीच में बैठकर बालासन की स्थिति में अपनी स्पाइन यानी कि पीठ की मांसपेशियों को यहाँ पर हम रिलैक्स करेंगे कम से कम 30 सेकेंड के लिए। तो अब इसके बाद हम दूसरा आसन करने वाले हैं भुजंगासन, जिसे हम कहते हैं कोबरा पोज। इसे करने के लिए आपको अपने पेट के बल फ्लैट लेट जाना है। पैरों के तलवे छत की ओर होने चाहिए। अब अपने दोनों हाथों के को अपने सीने के पास रखकर धीरे धीरे सांस भरते हुए अपनी छाती को ऊपर की तरफ उठाना है। आपके पेट से नीचे शरीर का सारा हिस्सा जमीन से नहीं उठना चाहिए। पैरों को उंगलियों के बल ही टिका कर रखें। पीठ जितनी मोड़ सके आराम से उतनी ही मोड़ें, ज़बरदस्ती क्षमता से ज़्यादा ना मोड़ें। इस मुद्रा में आपके बाजू पूरी तरह सीधे नहीं होते हैं। कुल मिलाकर आपको 5 बार सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। अब धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए पुनः अपनी सामान्य स्थिति में जाएंगे। आप यहाँ पर मकरासन में रिलैक्स कर सकते हैं। तो अब इसी क्रम में हम तीसरा आसन करने वाले हैं धनुरासन, जिसे हम कहते हैं बो पोज। इसे करने के लिए सबसे पहले अपने पेट के बल उल्टा लेट जाएं। लेटने के बाद घुटनों को मोड़कर हाथों से अपने टखनों को टाइट से पकड़ लें। इसके बाद धीरे धीरे आप सांस भरते हुए अपने सर, छाती और जांघों को ऊपर की ओर उठाएंगे। इस मुद्रा के दौरान शरीर का आकार आपको धनुष के समान लगेगा। ध्यान रखें कि इस दौरान शरीर के साथ किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। अब अपनी क्षमता के हिसाब से इस मुद्रा में रहें और धीरे धीरे सांस लेते व छोड़ते रहें। जब प्रारंभिक अवस्था में आपको आना हो तब गहरी सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे करके नीचे आए। और अब हम पुनः मकरासन में जाकर अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे। अब इसी प्रक्रिया में हम हमारा चौथा आसन करने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं सेतु बंधासन या ब्रिज पोज। इसे करने के लिए आपको अपने पैरों के घुटनों को धीरे धीरे मोड़कर हिप्स के पास लेके आना है। उसके बाद हिप्स को जितना हो सके फर्श से ऊपर की तरफ धीरे धीरे सांस भरते हुए उठाना है। हाथ जमीन पर ही रहेंगे। कुछ देर के लिए सांस को रोक कर रखना है। उसके बाद हम धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस जमीन पर आएंगे और अब धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को सीधा करेंगे और इस अवस्था में रिलैक्स करेंगे। तो इसी प्रक्रिया में अब हम हमारा आखिरी आसन करने वाले हैं, जिसका नाम है अर्धलासन। इसे करने के लिए आपको अपनी पीठ के बल सीधा लेट जाना है। उसके बाद अपने दोनों पैरों को उठाते हुए 90 डिग्री पर लेकर जाएंगे। याद रहे कि इस अवस्था में आपके जो घुटने हैं वो बिल्कुल टाइट होना चाहिए और आपके अंगूठों की दिशा बिल्कुल ऊपर की तरफ होनी चाहिए। इस पोस्चर को हम यहाँ पर मेंटेन करेंगे कम से कम 30 से 60 सेकेंड के लिए। अब धीरे धीरे आपको अपनी सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को नीचे लेकर आना है। तो जैसा कि हमने इन सभी 5 आसन का अभ्यास कर लिया है, लेकिन आपके मन में ये सवाल होगा कि हम ये आसन कितनी बार करें, कब करें और कितनी देर के लिए करें।
तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप पूरे दिन में इन आसन का अभ्यास कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आप खाली पेट होना चाहिए। और यदि आपने खाना खा लिया है तो आप उसके 2 घंटे के बाद इन आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इन आसन का अभ्यास करना है कम से कम 3 से 5 बार के लिए, और कम से कम 10 से 15 सेकंड के लिए आपको इनको होल्ड करना है। और दिन प्रतिदिन आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार इन आसन का अभ्यास बढ़ा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल साक्षी योगा स्टूडियो। और यदि आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है, ग्रुप क्लासेस या इंडिविजुअल क्लासेस, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना वेबसाइट का लिंक दिया है, आप वहां जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।